सत्रहवा दिन लगातार, पिछले 17-16 दिन और आज 17वां दिन है, किसान धरने पर बैठे हैं। सत्रहवें रोज भी दिल्ली के अंदर किसानों का एहतजाज जारी, और ये 3 हफ्ते अब मुकम्मल होने वाले हैं। पंजाब से किसानों का एक और काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। 1500 से ज्यादा गाड़ियां जो एक बार फिर दिल्ली की तरफ रवाना हुई हैं। और इस बीच आपको ये भी बताते चले कि दूसरी तरफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है किसानों के एहतजाज में, जहां पर आज यानी 12 दिसंबर से 14 तक ज्यादा शिद्दत देखने को मिलेगी। एक और काफिला दिल्ली के लिए निकल चुका है, तो वहीं मरकजी शाहराओं पर हुकूमत की जानिब से 3500 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई है। दिल्ली के अंदर वजीर दाखला ने टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की, हालात का जायजा लिया और किसी तरीके के वॉयलेंस से तशद्दुद से बचा जाए इसके लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए जाएं, इस बात पर जोर दिया। और दूसरी तरफ आज बारिश के दौरान भी मौसम में आई तब्दीली के बावजूद किसान अपने मुतालबात को लेकर अड़े हुए हैं। और आज चूंकि आपको याद होगा कि 12 और 14 दो अहम दिन, आज जितने भी टोल प्लाजाज हैं उनको ब्लॉक करने के साथ साथ जो जियो की मसनूआत हैं उनका मुकम्मल बायकॉट का ऐलान किया गया है किसान यूनियन के लीडरान की तरफ से, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी के 3000 से ज्यादा एहलकार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरहदों के साथ भी आज तैनात कर दिए गए हैं। इधर मरकजी वजीरी कानून ने एक बार फिर इस बात की वजाहत की है कि सरकार और किसानों के बीच मफाहमत का सिलसिला जारी है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द एक रास्ता निकलेगा जिसके बाद किसान पुरअमन तौर पर अपने एहतजाज को ख़त्म करेंगे। साथ साथ उन्होंने इस बात की भी अपील की कि किसान किसी भी तरीके से अपने स्टेज को उन लोगों के हवाले ना करें जो तशद्दुद को भड़काते हैं या जो कौम दुश्मनी के अनासिर है, जो कौम दुश्मन अंसर है, उनको अपने स्टेज के आसपास आने ना दे, इससे हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज जब हम बात कर रहे हैं आपके सामने, तो पंजाब से एक और काफिला जो है वो रवाना हो गया है, तरन तारण से जलंधर, होशियारपुर, फिरोजपुर, मोगा से ये कोऑर्डिनेट करते हुए आगे आएंगे। और माना जा रहा कि ये लुधियाना नेशनल हाईवे पर तकरीबन 1 बजे के आसपास आएंगे और शाम होते होते ये दिल्ली का सफर जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं अगर इन्हें कहीं पर रोका नहीं गया। और ये जो किसान नया जत्था जो किसानों का आया है उनका मानना है कि रिप्लेस किया जाएगा, जो लोग पहले से ही धरने प्रदर्शन पर है उन्हें अगर वापस जाना हो घर तो वो वापस जा सकते हैं और नए किसान वहां पर आके धरने की जगह पर बैठेंगे। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो बनाया जा रहा है और कुल मिलाकर आज का दिन इंतहाई अहम है, जहां पर 3500 के करीब डिप्लॉयमेंट जो दिल्ली पुलिस की कर दी गई है टोल प्लाजा के आसपास ताकि किसी तरीके की तोड़फोड़ और तशद्दुद ना हो। वहीं पर मरकजी वजीर बराए अमन कानून, बराए कानून की तरफ से भी बात जो है वो सामने रखी गई है। इधर निर्मला सीतारमन ने भी एक बड़ी बात सामने रखी है और एमएसपी के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मरकजी हुकूमत की तरफ से वादा किया गया है और किसानों के साथ जो मफाहमत और दीगर चीजें चल रही है उसी के पेश नजर में हुकूमत ने कानून को बनाया था और ये कहना कि हुकूमत ने किसानों के साथ किसी तरीके की मशावरत नहीं की दरअसल ये हकीकत से बईद है और ये सारा मामला जो है ये दरअसल हिज्ब इख्तलाफ की साजिश है। तो बड़ा मामला 17वां दिन है और अलर्ट पर दिल्ली पुलिस भी लगाई गई है। इसके